بسم الله الرحمن الرحيم. कौन देगा नबी का जमाना में, नबी की जिंदगी में कोई एक लम्हा भी अगर सरकार को देखकर चला गया हो तो वो नबी की जिंदगी का हसीन मंजर पेश करता है, मगर जैसे कुरान की एक आयत पढ़कर अकीदा नहीं बनाया जा सकता, पूरा कुरान पढ़ना होगा, ऐसे नबी का एक साल देखकर अकीदा नहीं बनेगा, नबी की मुकम्मल जिंदगी को देखना होगा। अब मुकम्मल जिंदगी कौन बता सकता है, मिसाल के जरिए अपने बच्चों पर बात को वाजे करूंगा। फर्ज कीजिए आपके शहर के बड़े चौराहे के ऊपर दो बड़ी गाड़ियों में टक्कर हो जाए, मिसाल दे रहा हूँ, और उसके नतीजे में कुछ जख्मी हो जाए और कुछ रहलत कर जाए, और वो धमाके की आवाज और वो इस इलाके के अंदर उस इलाके के अंदर एक खबर फैले के हादसा हुआ है, लोग दौड़ दौड़ कर जाएं और देखने जाएं कि क्या हुआ है। जो हादसा देख रहे थे वो बताएंगे कि दो गाड़ियां और फिर गलती किसकी थी और किसकी गलती नहीं थी, वो बताएंगे जिन्होंने हादसे को होते देखा, वो बताएंगे कि इतने जख्मी थे और इतने रहलत कर गए थे। जो एक घंटे बाद आया उसे जख्मी नजर नहीं आए मगर जनाजे नजर आए, तो वो वापस आके गाँव में बताएगा कि जख्मी कोई नहीं था, मरे हुए इतने लोग थे। जो चार घंटे के बाद आया उसने जनाजे भी नहीं देखे तो वो कहेगा झूठ बोल रहे हैं, ना कोई जख्मी हुआ ना कोई मरा है, हाँ एक्सीडेंट जरूर हुआ है। जो छह घंटे बाद आया वो कहेगा जी गाड़ियां खड़ी थी मगर लोग नहीं थे उसके अंदर, लिहाजा किसी का कोई नुकसान नहीं हुआ है। जो और बारह घंटे बाद आया गाड़ियां भी चली जाएंगी तो वो कहेंगे जी वाकया ही कुछ नहीं हुआ। अब वाकया एक है और रावी मुख्तलिफ है। अब सरकार का कोई दस साल का साथी है, कोई छह साल का साथी है, कोई दो साल का साथी है, कोई एक साल का साथी है, हमें नबी उससे लेना है जो नबी की गोद में आया हो। और उस वक्त तक नबी को छोड़ कर ना गया हो जब तक नबी का जनाजा दफना ना दिया। और वो जात अगर कोई है तो उसे अली कहा जाता है, या अली। अली बताएंगे कि नबी कैसे थे। सारे रावियान और तमाम तर अहादीस को नकल करने वाले मोहतरम हैं, उनका एहतराम रहे, मगर अली अली है, अली मौला का मकाम उनका मकाम है। तो असरे नबी अगर हमें समझाएगा कोई तो वो अली मौला की जात। ये एक अंदाज था मेरा अपनी बात को पहुंचाने का, मैं अपने इसी मुद्दा को जरा लहजा और अंदाज बदल के पेश करूं। देखिए आईने का काम है तस्वीर दिखाना, आप जब आईने के सामने खड़े होते हैं तो वो आपको कभी आपका चेहरा दिखाता है, कभी सीने तक दिखाता है, और अगर आईना बड़ा हो तो आपको पूरा दिखाता है। आईने का काम है तस्वीर दिखाना। अच्छा अगर ये आईना टूट जाए तो टूटा हुआ आईना भी वही काम करता है जो जुड़ा हुआ कर रहा था। आईने का काम आपके वजूद की तस्वीर को और अक्स को पलटाना है, ये आपको पलटा कर आपको दिखाता है कि आप कैसे हैं। और आईना बनता है दो चीजों से, एक जिला से और एक कसीफ मादे से। सिर्फ शीशा होगा तो आप अपने आप को नहीं देख पाएंगे, शीशे के साथ एक कसीफ मादा भी चाहिए ताकि आपका अक्स पलट कर आपकी तरफ आए, ऐसे ही है। मसलन अगर वो कसीफ मादा नहीं होगा तो वहां वाले तो आपको देख लेंगे, आप नहीं देख पाएंगे अपने आप, लेकिन वो कसीफ मादा लगा दिया जाए तो आप अपने आप को भी देखना शुरू कर देते। तो आईना दो चीजों से बनता है, एक मादा और एक जिला, एक मादा और एक नूर, एक मादा और एक नूर, दो चीजों से मिलकर आईना बनता है। मुझे और आपको अपना हुस्न देखने के लिए आईना जरूरी है जी। हुस्न की कमजोरियां हैं, एक तो कमजोरी यह है कि हर शख्स अपने आप को हसीन समझता है, बद से बदसूरत भी आईने के सामने खड़े होकर अपनी तारीफ करता है और कहता है मुझसे ज्यादा कोई हसीन नहीं है, और अपने आप को तसल्लियां देने के लिए कहता है इन्होंने फलां को देखा है जो मुझे कुछ कहते हैं, ये अपने आप को समझा रहा होता है। और ये भी अल्लाह का करम है कि हर बदसूरत को भी उसने मुतमईन किया है, कैसा ही चेहरा हो ये अपने आप से नफरत नहीं करता। सलवात पढ़े जरा मोहम्मद वाले। भाई मैं इतनी दूर चलकर आया हूं, मैं कोई 40-45 मिनट तो मजलिस पढ़ूंगा ना, तो जरा खफा नहीं हो मुझसे, आप मेरी मजलिस सुन लीजिए थोड़ी सी। अच्छा बहुत शुक्रिया आपकी, आपने बस कह दिया तो मैंने सुन भी लिया, तो तवज्जो चाहूंगा आपसे। तो आईना हमारी एक हुस्न की दो कमजोरियां हैं, बोलूं हुस्न भी नहीं अपने आप को देखता है। खास तौर पे जवानों को तो फुर्सत ही नहीं आईने के सामने से हटने की, आईना इनका सबसे अच्छा दोस्त होता है, आते जाते वहां खड़े हो जाएंगे और बार बार टेढ़े होकर देखेंगे और आंखें फिरा फिरा के देखेंगे कि कैसा लग रहा हूँ, कभी बाल यहाँ से बनाएंगे तो फिर देखेंगे कैसे लग रहे हैं, कभी वहां से बनाएंगे तो देखेंगे ये क्या हो रहा है, ये हुस्न भी नहीं हो रही है। अपने आप को देखना ये हुस्न भी नहीं, हुस्न की कमजोरी है। और हुस्न की दूसरी कमजोरी यह है कि यह हुस्न आराई भी चाहता है, दूसरे भी इसे देखें। ये जो बाहर हेयर स्टाइल बनाकर फैशन करके ही अजीब व गरीब से नए नए कपड़े पहन के, कभी आधे कपड़े पहनता है, कभी फटे हुए कपड़े पहनता है और वो पैंट को फाड़ देता है, कहता है ये फैशन है, तो वो ये जो इस तरह की हरकतें करके बाहर निकलता है
तो इसका सबब ये होता है कि यह लोगों को अपनी तरफ मुतवज्जे करना चाहता है ताकि लोग इसे देखें और इस पे तबसरे करें। यह हुस्न आराई है। अलबत्ता याद रहे कि फितरत अगर बेलगाम हो तो शरीयत उसे लगाम डालती है। प्यास प्यास फितरी मसला है ना, भूख फितरी मसला है ना, जिनसी तस्कीन फितरी मसला है ना, अल्लाह ने डाल की पुर्जे अल्लाह ने डाले ना जी। प्यास लगती है तो ये अल्लाह ने हमारे अंदर फंक्शन डाला है ना कि प्यास लगे, तो क्या हर चीज पी लें? प्यास लगती है तो हर चीज पी लें। बस जहां ये फितरत बेलगाम होने लगे शरीयत कहती है हराम। भूख फितरी मसला है ना, तो हर चीज खा लें, फौरन शरीयत आके फितरत को बेलगामी से रोकती है। जिनसी तस्कीन फितरी मसला है ना, तो हर जगह चले जाएं, हर काम कर लें, शरीयत आके रोकती है ये काम तुम्हें नहीं करना जी। हुस्न आराई, लोग मुझे देखें, ये फितरी मसला है ना, तो फिर शरीयत आके वहां रोकती है कि जहां फितरत बेलगाम हो रही हो। तो खवातीन को कहा जाता है खबरदार, तुम्हें दूसरे को दिखाने का जज्बा तो लड़कों की तरह ही है, मगर याद रहे किसी और को अपने आप को दिखाओगी तो फसाद होगा। तो अगर किसी को दिखाना है तो महरम को दिखाओ। तुम्हारा शोहर तुम्हारा हुस्न देखे, तुम्हारा भाई या तुम्हारा वालिद तुम्हें देखे, ना महरम को ना दिखाओ, इससे फसाद फैलेगा। तो बस फितरत जब बेलगाम होने लगे तो शरीयत आकर फसाद से रोकती है। हुस्न आराई के लोग मुझे देखें, ये मेरा फितरी मसला है, हम सबका फितरी मसला है, हम सब चाहते हैं कि हमें लोग अच्छी तरह से देखें। अजीजाने ग्रामी, हुस्न की ये दो जमाल हैं, ये हुस्न के दो उनवान हैं कि ये हुस्न बीनी भी चाहता है और हुस्न आराई भी चाहता है, और अल्लाह से बड़ा तो कोई हसीन ही नहीं है। अल्लाह अकबर, जो हसन और हुसैन का खालिक हो उससे बढ़कर हसन कौन होगा, हसीन कौन होगा? नबी को जिसने बनाया हो, यूसुफ को जिसने बनाया हो, उससे बढ़कर हसीन कौन होगा? तो अल्लाह, इन्नल्लाह जमील व युहिब्बुल जमाल, अल्लाह खुद जमील है और जमाल को पसंद करता है। यानी अल्लाह खुद हुसन बीनी भी चाहता है और हुसन आराई भी चाहता है। थक रहे हैं मेरी बातों से? अल्लाह हुसन बीनी भी चाहता है और हुसन आराई भी चाहता है। हम जब हुसन बीनी करते हैं तो आईना बनाते हैं। अल्लाह जब अपना हुसन देखता है तो क्या करता है? अल्लाह ने अपना हुसन देखने के लिए 14 आईने बनाए। ये 14 अल्लाह के आईने हैं, इन्हें देखकर अपना हुसन देखता है। अगर मेरी मेरी बात पर आपको और यकीन बढ़ाना है तो जरा ये आयत का पहला जुमला सुन लीजिए, सुबहानल्लज़ी असरा बिअब्दिही, बाबरकत है वो जात जो अपने बंदे को सैर पर ले गई। ये हुस्न बीनी नहीं हो रही तो क्या हो रहा है? जा रहे हैं मुस्तफा मेराज पर, तारीफें अल्लाह की हो रही है और खुद अपनी तारीफ कर रहा है। और इस आयत में जो मैंने आपके सामने तिलावत की, इसमें अल्लाह अपनी ही कसम खुद खा रहा है, फला व रब्बे का, तुम्हारे रब की कसम। कौन है अल्लाह का, मोहम्मद का रब, नबी का रब? खुद अल्लाह है ना, खुद अपनी कसम खा रहा है। ये हुस्न बीनी नहीं है तो क्या है? नबी के जरिए से अपनी तारीफ कर रहा है, अली के जरिए से अपनी अल्लाह तारीफ करता है। अल्लाह जब हुस्न बीनी चाहता है तो वो आईने बनाता है। हम आईने बनाते हैं तो एक नूर होता है और कसीफ मादा होता है। जब अल्लाह ही ने बनाता है तो नूर होता है और बशरियत होती है। लिहाजा ये नूरानी बशर है, ये नूरी बशर है, ताकि अल्लाह इनके जरिए अपने आप को देख सके। और जब अल्लाह, थके नहीं मेरी बातों से, जब अल्लाह अपने हुस्न का जलवा पूरी दुनिया में बखेरना चाहता है तो कभी नजफ संभालता सजाता है, कभी करबला सजाता है। ये वादियां नहीं है, अल्लाह के हुस्न की आराइयां हैं। अल्लाह अपना हुस्न बखेर देता है पूरी कायनात में। लिहाजा अल्लाह के हुस्न का इजहार कभी करबला से होता है, कभी नजफ से, कभी सामर्रा से, कभी काजमैन से, कभी मशहद से, कभी कुम से, कभी मदीने से। और अजीजों, वो अपने हुस्न को जब आम करता है तो इन हस्तियों के जरिए से उसका हुस्न नजर आता है।